की बड़ी खबर। छेड़खानी का विरोध करना छात्रा को भारी पड़ा, आरोपी ने छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाया। बलिया से खबर, पीड़िता का गंभीर हालत में बीएचयू में इलाज जारी है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। छेड़खानी का विरोध करना छात्रा को भारी पड़ गया, बलिया से खबर, आरोपी ने छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाया है। पीड़िता का गंभीर हालत में बीएचयू में इलाज जारी है। आरोपी गिरफ्तार, तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात। छेड़खानी का विरोध करना छात्रा को भारी पड़ा, आरोपी ने छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, छात्रा को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला था, छात्रा की फिलहाल स्थिति कैसी है? जी मैम, आपको बता दें, दुबहर थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहाँ पे उसके पिता का, लड़की के पिता का आरोप है कि मेरी लड़की सुबह छत पे थी और बगल का ही एक लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने किरासन तेल छिड़क के जलाया है, और दूसरी बात, उसको जिला प्रशासन ने यहाँ से रेफर कर दिया है बनारस बेहतर इलाज के लिए। अभी भी उस लड़की की स्थिति ठीक है, और मौके पे अगल बगल दोनों लड़के लड़की का अगल बगल में ही घर है, जिसको देखते हुए वहां पे पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई आगे कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। बलिया से खबर बता रहे हैं, छेड़खानी का विरोध करना छात्रा को महंगा पड़ जाता है, आरोपी ने छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जला दिया। पीड़िता का गंभीर हालत बीएचयू में इलाज जारी है। Thank you.